हेलो फ्रेंड्स, कबीर्स किचन में आज हम फिर से हाजिर हैं माइक्रोवेव कुकिंग लेकर। और आज हम माइक्रोवेव कुकिंग में बनाने जा रहे हैं साबूदाना की खिचड़ी, जो फटाफट बन जाती है और इसे बनाने में कोई भी झंझट नहीं है। मैंने कढ़ाई पे भी बनाया है और कैसे बनती है ये वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसे बनाने के लिए हम पहले लेंगे 1 कप साबूदाना और उसे 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे। 3 से 4 बार पानी से धोना बहुत ज़रूरी है ताकि साबूदाना के दाने आपस में चिपके नहीं, चाहे आप कढ़ाई में बना रहे हो या माइक्रोवेव में। तो आप 3 से 4 बार अच्छे से धो लीजिए। जब तक इसका ये वाइट पानी निकल रहा है ना, तब तक हमें धोना है। फिर इसमें हम 3/4 कप पानी डाल करके रात भर रखेंगे ओवरनाइट सोक करने के लिए। चाहे तो आप दिन में बना रहे हैं तो 6 से 7 घंटे रखिए, लेकिन उससे कम देर नहीं, 6 से 7 घंटे ही लगते हैं ताकि ये अच्छे से भीग सकें। पानी इसने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और हाथ में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो समझिए साबूदाना अच्छे से भीग चुका है। अब माइक्रोवेव बाउल में लेंगे तेल और जीरा, उसमें डालेंगे ये कुटी हुई मूँगफली और कुछ साबुत मूँगफली, फिर डालेंगे हरी मिर्च और धनिया पत्ती बारीक कटे हुए। इन्हें अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसे हम रखेंगे माइक्रोवेव पे। इसे सेट कर लीजिए माइक्रोवेव मोड पे हाई टेम्परेचर पे 6.5 मिनट के लिए। तो इसे 6.5 मिनट लगातार नहीं पकाएंगे, बीच में साबूदाना भी डालना है। तो जब 2.5 मिनट हो जाए या 3 मिनट से कम थोड़ा, तो आप इसे ओपन कर लीजिए, बाउल को बाहर निकालिए। अब इसमें डालिए उबले हुए आलू और साबूदाना भीगा हुआ, तो इसे डाल लेंगे हम। अब इस टाइम पे जो मैंने मूंगफली, पीसी हुई मूंगफली और कटी हुई धनिया पत्ती पहले डाली, वो इस टाइम पे भी आप डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। फिर डालेंगे इसमें नमक, सेंधा नमक डाल लीजिए अगर उपवास के लिए बना रहे हो। मिक्स करने के बाद माइक्रोवेव पे हम फिर से इसे रखेंगे और जो बचे हुए मिनट हैं उसी पे हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये आराम से बन जाता है। और कढ़ाई में साबूदाना की खिचड़ी खिली खिली कैसे बनानी है, ये वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये साबूदाना की खिचड़ी माइक्रोवेव में बनकर तैयार हो गई है, आप भी ज़रूर बना के देखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आप देख सकें। थैंक यू।